Hello students, today I am going to tell you about social interaction. Social interaction is an exchange between two or more individuals and it is a building block of society. Social interaction can be studied between group of two, three or larger social groups. So in a nutshell, what can we conclude about social interaction? That it is a kind of social exchange. It is a medium through exchanges between different communities, between two or more than two individuals or groups is done. So social interaction is the process of exchanging something between people. By interacting with one another, people design rules, institutions, and systems within which they seek to live. The study of social interaction involves the careful assessment of the practices of everyday communicating between people in various real-life contexts such as doctor-patient visit, organizations, and human-computer communication. So, सोशल इंटरेक्शन के बारे में हमें क्या यहाँ जानने को मिल रहा है कि सोशल इंटरेक्शन एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आइडियाज़ को उनके सामने बताते हैं या डिफरेंट टाइप के प्लानिंग्स उनके साथ में करते हैं. थिंकिंग के लेवल पर सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है. तो इंटरेक्शन जो ये होता है, सोशल इंटरेक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं. इट इज़ हैविंग इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी मेम्बर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द सोशल इंटरेक्शन. एंड ये जो हमारी जितनी भी रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनमें एप्लीकेबल है. जैसे डॉक्टर या पेशेंट के बीच में, तो इसमें एक्सचेंज होता है. डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है? पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताता है, डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके बदले में उसको मॉनेटरी गेन होता है. तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन क्या हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन ही हो रहा है, लेकिन इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज क्या है कि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को दूर करा रहा है और डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को दूर करने में समर्थ है, इसलिए वो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उससे कुछ चार्ज कर रहा है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सचेंज. सोशल इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल. ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी हो सकता है, मतलब बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. जब एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है, जैसे मान लीजिए अगर जियो और एयरटेल के बीच में कोई इंटरेक्शन या कोई एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट, मतलब बिटवीन सोशल इंटरेक्शन हो रहा है. विद इन क्या होता है कि जब एक ही ग्रुप के मेंबर आपस में अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं, तो ये विद इन सोशल इंटरेक्शन हो गया. एंड ह्यूमन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं, दे आर ऑल मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. एंड की पॉइंट इज़ द एक्सचेंज. सोशल इंटरेक्शन हमेशा एक्सचेंज के लिए किया जाता है. सोशल इंटरेक्शंस आर कॉम्प्लेक्स इन देयर मैनिफेस्टेशंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स. दीज इंटरेक्शंस कैन इन्वॉल्व, ये जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ में होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में होते हैं. जैसे इवन इट इज़ इन्वॉल्व इन स्माइलिंग, टॉकिंग या विंकिंग, आँख मारना जिसे कहते हैं, थ्रेटनिंग. तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जहाँ भी एक्सचेंज आता है, वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो. वर्बल मतलब जिसमें हम किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन वर्बल वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, बट स्टिल वी आर कन्वेइंग सम मैसेज टूवर्ड्स सम पर्सन. That is also known as a mode of exchange of our feelings. We are communicating through non-verbal language also. So smiling ho, talking ho, winking ho, threatening ho, these are all the modes of social interaction. Fighting, debating, negotiating, किसी से हम negotiate करते हैं. Negotiation कई type से हो सकता है कि अगर हम किसी से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, वो 10 रुपये में बता रहा है, हम उससे कह रहे हैं तुम 5 रुपये में दे दो, ये negotiation हो गया. या निगोशिएशन हम इस टाइप से भी कर सकते हैं कि अगर तुम मेरा ये काम कर दो, उसके बदले हम तुम्हारा ये काम कर देंगे. तो निगोशिएशंस के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, और जहाँ पे भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ थॉट, वो हमारे सोशल इंटरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं. डिस्कशंस, लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सोशल इंटरेक्शन का पार्ट है.
सोशल इंटरेक्शन दो टाइप का होता है, पहला है मैनिफेस्ट और दूसरा है लेटेंट इंटरेक्शन। मैनिफेस्ट सोशल इंटरेक्शंस आर द स्पेसिफिक बिहेवियर्स वी परसीव। अ पर्सन थ्रोज अ बॉल, अनदर कैचेज इट, अ थर्ड येल्स थ्रो इट टू मी। वी सी दिस इंटरेक्शन एज स्पेसिफिक बिहेवियर्स। मैनिफेस्ट मतलब विच इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बाय डिफरेंट पर्सन्स, इट इज़ नोन एज द मैनिफेस्ट सोशल इंटरेक्शन। मतलब वो इंटरेक्शन जिसे हम परसीव कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। कोई दौड़ रहा है उसे हम देख रहे हैं, ये हमारा मैनिफेस्ट सोशल इंटरेक्शन है। कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई सीसॉ पे झूल रहा है, कोई बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वी आर एबल टू परसीव ऑल दीज थिंग्स directly, so these are known as the manifest social interactions. Latent in another's manifest behavior are his intentions, which unify diverse and specific actions, his reasons, which explain and provide understanding, and the causes which have produced certain manifestations. Intentions, reasons, and causes are latents. Moreover, that which defines manifest behavior or interaction as social is a latent and underlying orientation towards another self. Latent क्या होता है, जिसे हम directly perceive नहीं करते हैं, that is perceived through the behavior of some individual. मतलब उसको हम directly देख नहीं सकते। मतलब अगर कोई smile कर रहा है तो हम smiling को देख रहे हैं और उस smiling से हम infer कर रहे हैं कि वो person happy होगा, तो जो उसकी happiness है that is not directly observable, that is latent social interaction. तो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, जैसे उसके intentions क्या हैं, उसके reasons क्या हैं, हंसने का reason क्या है, हमें हंसी दिखाई पड़ रही है, वो manifest social interaction है, लेकिन उस हंसी के पीछे का reason क्या है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ये जो reason है उस हंसी के पीछे का, इसे हम latent social interaction के नाम से जानते हैं। तो latent वो सारी चीज़ें हो गई जिन्हें हम directly perceive नहीं कर सकते हैं, बट all these things are inferred from the behavior or the actions of the individual are known as the latent social interaction. Now there are different types of social interaction. Among the most common forms of social interaction are exchange, which is the key word in the definition of social interaction itself, competition, conflict, cooperation and accommodation. These five types of interaction take place in societies throughout the world. Now, what is the meaning of exchange? Whenever people interact in an effort to receive a reward or a return for their action, an exchange has taken place. Exchange kya hota hai? Exchange is a matter of give and take. Jab hum kisi se give and take ki baat karte hain, usko hum exchange karte hain. और इस एक्सचेंज में हम ये देखना चाहते हैं कि हम हमेशा अपर साइड में रहना चाहते हैं। अपर साइड इन द सेंस कि हम हमेशा फ़ायदे में रहना चाहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। इनपुट हमारी वेस्टेड एनर्जीज होती हैं कि किसी रिलेशनशिप में हम कितनी एनर्जी डाल रहे हैं, ये इनपुट हुआ। आउटपुट क्या हुआ कि उस एनर्जी के बदले में हम सामने वाले से कितना रिसीव कर रहे हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट रेशियो अगर इक्वल होता है तो रिलेशनशिप सस्टेन करती है। मतलब अगर हमें लग रहा है कि दूसरा हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा है, हम जितने मतलब उसके साथ एफर्ट कर रहे हैं उतने ही मोर और लेस उतने ही वो भी कर रहा है, मतलब हम अपनी रिलेशनशिप में बहुत एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं, सो है, मतलब 50% मेरी तरफ से, 50% उसकी तरफ से, अगर ये इनपुट और आउटपुट का रेशियो इक्वल है तब तो वो रिलेशनशिप के चांसेस हैं कि वो रिलेशनशिप सस्टेन करेगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल का परसेप्शन ये है कि मेरा इनपुट बहुत ज़्यादा है और उसके बदले में आउटपुट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो रिज़ल्ट क्या होगा, वी विल विदड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इसे एक्सचेंज कहते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वट एवर वी आर गिविंग टू आवर रिलेशनशिप एंड इन टर्न वॉट इज़ अवर परसेप्शन दैट वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज नोन एज द इनपुट आउटपुट रेशियो। अगर आउटपुट बहुत ज़्यादा परसीव हम कर रहे हैं और इनपुट कम है तो वो रिलेशनशिप 101% परसिस्ट करती है, क्योंकि अगर किसी भी रिलेशनशिप में हम कम एनर्जीज डाल रहे हैं, एफर्ट कम डाल रहे हैं, लेकिन हमें मिल बहुत रहा है, रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, किसी जॉब में हम आ जाएं, जॉब में हम बहुत कम एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन हमें सैलरी
ज़्यादा मिल रही है तो हम उस जॉब में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हैं और सैलरी हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं मिल रही है तो हमारे चांसेस हैं कि जैसे ही हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसके ऊपर स्विच ओवर हो जाएंगे। तो ये इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है ये हर हर रिलेशनशिप में, हर आस्पेक्ट में, हर थिंकिंग में, इट वर्क्स इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। सो दिस इज़ नोन एज द एक्सचेंज। सो व्हेनेवर पीपल इंटरैक्ट इन एन एफर्ट टू रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर देयर एक्शन एन एक्सचेंज हैज़ टेकन प्लेस। सोशल एक्सचेंज एक्सप्लेन्स सोशल चेंजेस एंड स्टेबिलिटी as a process of negotiated exchanges between parties. This is fundamentally oriented around the idea that all human behavior is guided by an individual's interpretation of what is in his best interest. जो मैंने अभी input और output वाली बात कही ना, वो हमारे perception के ऊपर depend करता है कि what is my perception, how I am perceiving, how what is my perception, what type of energy and what extent of energy I am putting in this particular type of relationship and what I am receiving in turn from that relationship. It is my personal perception. और ये जो perception होता है ये ही decide करता है कि हमारा output क्या होगा और हमारी उस relationship का result क्या होगा, या हमारी उस जॉब में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हम उस फ्रेंडशिप में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमारे अपने परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल एक्सचेंज एडवांसेस द आइडिया दैट रिलेशनशिप्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन सोसाइटी एंड दैट इट इज़ इन वंस इंटरेस्ट टू फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर्स। हम बाय ऑल मीन्स वी ट्राई टू इस्टेब्लिश अ सर्टन टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी मेंबर्स बिकॉज इट इज़ अवर इसेंशियल नीड्स। लेकिन इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हम ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, हमें उससे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है और उसके बदले में हमें क्या देना पड़ रहा है। तो हम जो देना चाहते हैं उससे ज़्यादा रिसीव करना चाहते हैं, तो जो हमारा इनपुट है अगर आउटपुट उससे ज़्यादा होता है तो हमारा जो एक्सचेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड इज़ कॉम्पिटिशन। Competition is a contest between people or group of people for control over resources. In this definition, resources can have both literal and symbolic meaning. People can compete over tangible resources like land, food, and mates, but also over intangible resources such as social capitals. Competition is the opposite of cooperation and arises whenever two parties strive for a goal that cannot be shared. सो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी सिंपल। कॉम्पिटिशन में सोशल इंटरेक्शन होता है क्योंकि वहाँ पर भी लेन देन की बात होती है। कॉम्पिटिशन होता क्यों है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाई डू वी इन्वॉल्व इन कॉम्पिटिशन, क्योंकि चीज़ एक ही होती है और उसके पीछे एक से ज़्यादा लोग पड़े होते हैं। अगर चार चीज़ें हैं और चार ही लोग हैं वहाँ पर तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, आप आओ आप ले लो, ए आएगा वो ले लेगा, बी आएगा वो ले लेगा, सी आएगा वो ले लेगा, तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन तभी होता है जब रिवॉर्ड एक ही होता है और उसको रिसीव करने वाले लोग अनेक होते हैं, तभी कंपटीशन की फीलिंग अराइज होती है। तो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन इज़ व्हाट, दैट इट इज़ द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब हमारे पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे जॉब के लिए कंपटीशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं जॉब कम है इसीलिए कंपटीशन होता है। और ये टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों चीज़ों के लिए कंपटीशन होता है। लेकिन हमारी अगर हम इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप इन द सोसाइटी विद अदर पीपल, और अगर हमें अपनी भी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो वी शुड इन्वॉल्व इन हेल्दी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन कैन हैव बोथ बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। अगर बेनिफिशियल कब होता है, व्हेन वी आर हैविंग अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, मतलब हम किसी मतलब विकेट टेक्निक्स को अपनाए बिना किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, उसे हम हेल्दी कॉम्पिटिशन कहते हैं, और ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट कब हो जाते हैं कि जब हम किसी कॉम्पिटिशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसके लिए हम बाय हुक और क्रुक हर चीज़ पे उतर आते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से ये पाना है, तो वो चीज़ें जब हम दूसरों के अगेंस्ट कुछ एक्शन प्लान करते हैं तो उसमें हमारी मेंटल हेल्थ भी निगेटिवली अफेक्ट होती है, क्योंकि
उन लोगों के लिए तो होगा ही, लेकिन उस चीज़ को प्लान करने के लिए हम उनसे ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. तो इट मे बी बोथ बेनिफिशियल एज वेल एज डेट्रीमेंटल. पॉजिटिवली, कॉम्पिटिशन इफ इट फॉलोज रूल ऑफ कंडक्ट मे सर्व एज अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन और इट हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म द रोल्स सोसाइटी आस्क ऑफ देम. ऑन द नेगेटिव साइड, कॉम्पिटिशन कैन कॉज इंजरी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट. सो वी शुड नॉट हैविंग द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर को बना के रखते हुए हमें कॉम्पिटिशन करना चाहिए और एक फीलिंग रखनी चाहिए कि लेट द बेस्ट मैन विन. नाउ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ द स्ट्रगल फॉर एजेंसी और पावर विद इन अ सोसाइटी. इट अकर्स व्हेन टू और मोर पीपल अपोज वन अनदर इन सोशल इंटरैक्शन, reciprocally exerting social power in an effort to attain square or incompatible goals and prevent the opponent from attaining them. Resources are scarce and individual naturally fight to gain control of them. तो इसलिए conflict होता है. conflict कब होता है कि जब मतलब हम भी वही चीज़ पाना चाह रहे हैं, आप भी वही चीज़ पाना चाह रहे हो, तो हम दोनों में एक conflict होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम अगर रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा बढ़ता जाएगा. एंड लाइक कॉम्पिटिशन, ये भी हमारे लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर हम इसको इफेक्टिवली रिजॉल्व करने की कोशिश करें. तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें भी हमारे एक्सचेंज का पॉइंट ऑफ व्यू आता है. देन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टू और मोर पीपल वर्किंग और एक्टिंग टुगेदर. इट इज़ ऑपोजिट ऑफ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि मतलब मुझे इंडिविजुअली किसी चीज़ को अचीव करना, उसमें हम ग्रुप में काम नहीं करते. कोऑपरेशन इनेबल्स सोशल रियलिटी बाय लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इंटायर सोशल सिस्टम. विदाउट कोऑपरेशन, नो इंस्टीट्यूशन बियॉन्ड द इंडिविजुअल वुड डेवलप. Any group behavior is an example of cooperation. This means that if two people know that they are going to encounter one another in the future or they have memories of past cooperation, they are more likely to cooperate in the present. इसका क्या मतलब हुआ कि cooperation तो group में होता ही है, लेकिन अगर हम आज individually कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि future में इन ABCD के साथ हमें काम करना है और इन्हीं के साथ मिलजुल कर ही हमारी personal growth हो पाएगी, तो हम उनके साथ present में भी cooperation के साथ काम करना शुरू कर देते हैं. तो cooperation unifies an individual, क्योंकि cooperation में हमारे जो goals होते हैं वो common होते हैं. तो common goal को achieve करने के लिए हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी थिंकिंग को शेयर करते हैं और मिलजुल के एक कॉमन प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं और उसको फॉलो करके उस कॉमन गोल को, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज़ अकोमोडेशन, इज़ द प्रोसेस बाय विच कॉम्पीटिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एडजस्ट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज विच अराइज इन कॉम्पिटिशन, कंट्रावेंशन और कॉन्फ्लिक्ट. अकोमोडेशन इज़ वेरी सपोर्टिंग थिंग. अकोमोडेशन में क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार ढालने की कोशिश करता है. ये जो ढालने की कोशिश होती है कि वी वॉन्ट टू एडजस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन बाय चेंजिंग आवर वैल्यूज़, बाय चेंजिंग आवर बिलीफ सिस्टम. और अगर हम चेंज नहीं भी कर पाते हैं तो हम कन्फर्मेटरी बिहेवियर करने लगते हैं जस्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन विच अराइजेज अ लॉट ऑफ मेंटल टेंशन इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल. तो इस चीज़ को हम एकोमोडेशन का नाम कहते हैं. इसमें ये प्रोसेस ही होती है कि हम अपने आप को किस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकें, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकें, सो दैट माय मेंटल हेल्थ इज़ नॉट हैम्पर्ड बाय द बिहेवियर ऑफ अदर्स एज वेल एज बाय द बिहेवियर ऑफ आवर सेल्व्स. सो दीज आर द पॉसिबल फाइव टाइप्स ऑफ social interaction and it usually takes place in the form of cooperation, competition, conflict, accommodation and assimilation. These forms of social interactions are called social process.
तो सोशल प्रोसेस क्या होता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज नोन एज द सोशल प्रोसेस, क्योंकि जितनी भी सोशल इंटरेक्शन हो रहे हैं, अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, हम किसी चीज़ टाइप के एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं, तो वॉट इज़ दिस, दिस इज़ ऑल सोशल प्रोसेस. सोशल प्रोसेस इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोशल इंटरेक्शन. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. थैंक यू.